क्या हुआ जब कुंभकर्ण का पुत्र मूलकासुर आया भगवान श्री राम से अपने पिता के मृत्यु का बदला लेने? आखिर क्यों मूलकासुर जैसे शक्तिशाली राक्षस को भगवान श्री राम भी नहीं हरा पाए? आप देख रहे हैं अध्यात्म गुरु यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका दोस्त धर्मेंद्र। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन जरूर दबाए, साथ ही कमेंट बॉक्स में जय श्री राम अवश्य लिखें। हिंदू धर्म के सबसे प्राचीन पौराणिक और ऐतिहासिक धर्म ग्रंथ रामायण के बारे में तो हम सभी जानते हैं, लेकिन रामायण काल से जुड़ी कई सारी ऐसी कथाएं भी हैं जिनके बारे में शायद ही आपने कभी सुना होगा। ऐसी ही एक कथा कुंभकर्ण के बेटे मूलकासुर की है, जो भगवान श्री राम से अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने आया था और राजा राम ने नहीं बल्कि माता सीता ने एक बाण चलाकर उसे मुक्ति प्रदान की। दरअसल यह कथा राम और रावण के युद्ध के बाद श्री राम के राज्याभिषेक के समय की है, जब श्री राम लंका का राजपाट विभीषण को सौंपकर माता सीता और लक्ष्मण सहित अयोध्या लौटकर राजपाट संभाल रहे थे। तभी भगवान श्री राम की राज्यसभा में विभीषण पहुंच गए। विभीषण डर से कांप रहे थे और बहुत भयभीत और हड़बड़ी में लगे हुए थे। सभा में प्रवेश करते ही वो भगवान श्री राम की वंदना करते हुए उनसे अपने प्राणों को बचाने की प्रार्थना करने लगे। वह कहने लगे, हे प्रभु श्री राम, मुझे मूलकासुर से बचाइए। लंका में कुंभकर्ण का बेटा मूलकासुर आफत ढा रहा है और ना तो वह लंका को छोड़ेगा और ना ही उनके जीवन और उनके राजपाट को छोड़ेगा। तब भगवान श्री राम विभीषण की परेशानी देखकर चिंतित हो गए और उन्हें धैर्य रखने को कहा। शांत होने पर विभीषण ने श्री राम को पूरी बात बताई और कहा कि प्रभु, आपने युद्ध में रावण सहित सभी राक्षसों का तो वध कर दिया, लेकिन कुंभकर्ण का एक बेटा अभी भी जीवित है। यह बहुत ही अशुभ मूल नक्षत्र में पैदा हुआ था, इसीलिए उसका नाम मूलकासुर रखा गया था। मूलकासुर के पैदा होते ही कुंभकर्ण उसे मारना चाहता था, लेकिन रावण के समझाने पर उसने अपने इस पुत्र को अशुभ मानकर घने जंगलों में छोड़ दिया। मूलकासुर का पालन पोषण उस जंगल में ही हुआ। मूलकासुर जब बड़ा हुआ तो उसने कठोर तप करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर लिया और उनसे वरदान के रूप में अमृत मांगा, लेकिन जब ब्रह्मा जी ने उसे अमृत देने से मना कर दिया तो उसने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा कि उसकी मृत्यु किसी ऐसी स्त्री के हाथों हो जो आजीवन पवित्र और सती रही हो। इस वरदान के बाद ब्रह्मांड में कोई भी पुरुष उसे नहीं मार सकता और अपने इसी वर और बल के घमंड में भयानक उत्पात वो मचा रहा है। अब जब जंगल में उसे पता चला कि आपने उसके खानदान का सफाया कर दिया है, उसके पिता कुंभकर्ण को भी मार दिया और लंका जीत ली और राजपाट मुझे सौंप दिया, तो वह क्रोध में बौखला गया है। उसने घोषणा की है कि वह पहले मुझे मारेगा और फिर प्रभु श्री राम को मृत्यु प्रदान करेगा। इससे पहले जिस दिन श्री राम ने विभीषण को लंका का राजपाट सौंपा था, उसके कुछ दिन बाद ही मूलकासुर ने पाताल वासियों के साथ लंका पहुंचकर लंका और विभीषण के ऊपर धावा बोल दिया। विभीषण ने 6 महीने तक वीरता से मूलकासुर का मुकाबला किया, लेकिन ब्रह्मा जी के वरदान से वह इतना ताकतवर बन गया था कि कोई भी उसका सामना नहीं कर सकता था, और मजबूरन विभीषण को भी लंका छोड़कर भागना पड़ा और वह अपने बेटे मंत्रियों और स्त्रियों के साथ किसी प्रकार सुरंग के जरिए भागकर भगवान श्री राम के पास मदद के लिए आ गया। मूलकासुर ने लंका में धावा बोलते समय घोषणा की थी कि वह सबसे पहले धोखेबाज विभीषण को मारेगा और फिर उसके बाद अपने पिता की हत्या का बदला लेने वाले भगवान श्री राम का वध भी करेगा। और लंका में विभीषण को न देखकर मूलकासुर ने अयोध्या आने की ठान ली थी। अब लंका और अयोध्या दोनों खतरे में थी, तो ऐसे में श्री राम तत्काल ही हनुमान जी और लक्ष्मण जी सहित सेना लेकर पुष्पक विमान पर सवार होकर लंका की ओर गए। श्री राम के लंका पहुंचते ही मूलकासुर ने अपनी सेना को लेकर उन पर धावा बोल दिया। लगातार 7 दिनों के भयानक युद्ध के बाद भी कोई परिणाम ना निकला और मूलकासुर अकेले ही भगवान श्री राम की सेना पर भरी पड़ रहा था। मूलकासुर को ना ही भगवान श्री राम हरा पाए, ना ही लक्ष्मण और ना ही हनुमान जी। मूलकासुर को हरा पाना बेहद ही मुश्किल होता जा रहा था। युद्ध का नतीजा अपने पक्ष में जाता न देखकर भगवान चिंता में थे। विभीषण के जरिए भगवान श्री राम को पता चला कि मूलकासुर इस समय तंत्र साधना करने गुफा में गया हुआ है।
और उसी समय ब्रह्मा जी ने वहां आकर श्री राम को यह भी बताया कि उन्होंने मूलकासुर को स्त्री के हाथों मरने का वरदान दिया है, तो वो खुद उसे नहीं मार सकते। इसके अलावा जाते जाते ब्रह्मा जी ने भगवान श्री राम को यह भी बताया कि जब कुंभकर्ण और रावण के कुल के सभी लोग लंका युद्ध में मारे गए थे, तब मूलकासुर ने मुनियों के बीच दुखी होकर कहा था कि चंडी सीता के कारण उसका समूचा कुल नष्ट हुआ है, और माता सीता के इस अपमान को सुनकर ऋषियों ने उसे श्राप दिया था कि दुष्ट तूने जिसे चंडी कहा है वही सीता तेरी मृत्यु का कारण बनेगी, तो अब केवल माता सीता ही इसका वध कर सकती है, इसीलिए इसके वध के लिए माता सीता को लंका आना ही होगा। यह जानकर मर्यादा पुरुषोत्तम रघुनंदन भगवान श्री राम ने हनुमान जी और गरुड़ को तुरंत ही पुष्पक विमान के साथ सीता जी को लेने भेजा। पति के संदेश को सुनकर सीता जी तुरंत ही पुष्पक विमान पर बैठ गईं। तभी उनके शरीर से एक दूसरी तामसी शक्ति निकल पड़ी। उसका स्वर बड़ा भयानक था। ये सीता की छाया थी जो चंडी के वेश में लंका की ओर बढ़ चली। वहीं श्री राम के कहने पर उनकी वानर सेना ने मूलकासुर की गुप्त गुफा में जाकर उसकी तांत्रिक सिद्धियों को तहस नहस कर दिया। यह देखकर क्रोध में तमतमाया हुआ मूलकासुर दांत किटकिटाते हुए बाहर आ गया, और युद्ध के मैदान में माता सीता की छाया चंडी सीता को देखकर गरज कर कहने लगा, मैं औरतों पर मर्दानगी नहीं दिखाता हूं, तू यहां से भाग जा। तब माता सीता ने उसे ललकारते हुए कहा कि मैं तेरी मौत चंडी हूं। ऐसा कहकर चंडी सीता और मूलकासुर आपस में घनघोर युद्ध करने लगे। मूलकासुर और वही चंडी सीता आपस में कई सारे दिव्यास्त्र को एक दूसरे पर छोड़ रहे थे, एक दूसरे के दिव्यास्त्र को लगातार काट भी रहे थे। यह युद्ध बहुत ही लंबे समय तक चलता रहा, और आखिर में चंडी सीता ने चंडिकास्त्र चलाकर मूलकासुर को मृत्यु की शैया पर सुला दिया। मूलकासुर के धारा शही होते ही सभी राक्षस हाहाकार करते हुए इधर उधर भाग खड़े हुए, और छाया सीता भी लौट कर सीता के शरीर में प्रवेश कर गई। बाद में कुछ दिनों तक लंका में रहकर भगवान श्री राम सीता सहित पुष्पक विमान से अयोध्या लौट आए, लेकिन मूलकासुर कुंभकर्ण का वह पुत्र था जिसे बाल्यावस्था में ही कुंभकर्ण ने त्याग दिया था। लेकिन फिर भी उसने अपने पिता और अपने कुल का बदला लेने के लिए भगवान श्री राम से युद्ध करना जरूरी समझा। सोचिए मूलकासुर कितना शक्तिशाली था कि उसे स्वयं भगवान श्री राम हनुमान जी, यहां तक कि लक्ष्मण जी भी नहीं हरा पाए, और सिर्फ माता सीता ने ही उसे पराजित किया। आपको इस बारे में क्या लगता है और आपके क्या विचार हैं, कमेंट बॉक्स में हमें अवश्य बताइएगा। अगर आपको हमारी ये खास जानकारी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिए। मिलेंगे अगली बार एक नई खास वीडियो के साथ। तब तक लिए जय श्री राम।